नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पेड़ा की रेसिपी। जिस तरह बाहर से जो पेड़ा लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह दानेदार पेड़ा घर पर बहुत ही झटपट बन जाएगी और खाने में तो इतना अच्छा लगेगा कि आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये बाहर का पेड़ा या घर पर आपने खुद बनाया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं झटपट पेड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। पेड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मावा लिया है। मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया और मैंने उसमें अपना मावा डाल दिया। ये मैंने इंस्टेंट मावा लिया है, घर का मावा ये नहीं है। आप घर का मावा या फिर बाहर का मावा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे भून लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। ये जब कलर चेंज हो जाएगा उसका हम इसे निकालेंगे। और अब ये कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसका कलर देख सकते हैं थोड़ा चेंज हो चुका है। मैंने मावा निकाल दिया, मावा मैंने ले लिया और अब मैं उसमें चीनी पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मावा ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना होना चाहिए कि आप उसे हाथों से आराम से टच कर पाएँ और थोड़ा गर्म फील हो। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी अच्छे से मावा में मिल जाए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने इसके अच्छा डो रेडी कर लिया। अब मैं हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, तेल घी जो भी आप लगा सकते हैं। और अब मैं छोटे छोटे बॉल्स ले करके और इससे पेड़ा रेडी कर लूँगी। आप जितना बड़ा पेड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा या छोटा, उस हिसाब से आप बॉल ले करके उसे हाथों में चपटा करके और उंगली से बीच में थोड़ा दबा दें। और इसी तरीके से मैं अपने सारे पेड़े रेडी करूंगी, बीच से दबा दूंगी इस तरह। और ये मेरा पेड़ा रेडी हो गया है। और इसी तरीके से मैं एक और कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं अपने सारे पेड़े रेडी कर लूंगी। आप ज़्यादा या कम, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें आप उतनी क्वांटिटी में बढ़ा करके मावा ले सकते हैं। मैं कम ही बना रही थी इसीलिए मैंने केवल 50 ग्राम लिया था। आप इसे ज़्यादा भी बढ़ा कर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार इसे खा लेंगे तो आपको पहचान में नहीं आएंगे। और ये देखिए हमारे पेड़े बनके रेडी हैं। पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स लिखना बिल्कुल भूलिए। साथ में इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।